आंगन में लाकर देखिए, सिर्फ आंसू टपकते हैं वहां पर, लेकिन उन आंसुओं में भी गर्व का माहौल होता है कि हमारे बेटे ने, हमारे हमारे खून के टुकड़े ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। तो जाहिर है कि हम जो भी देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि वाकई हम इसलिए सो पाते हैं घर पे, बच्चों को सुरक्षित छोड़ के जाते हैं कहीं, कि हमारे देश की सेवा में जो जवान लगे हुए हैं उनकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से मुंबई पुलिस का जो जवान है, पहले मुंबई पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाइए, त्यौहार होते हुए भी ये लोग ये सोते नहीं है, ये सो जाएंगे तो हम और आप घर नहीं जा पाएंगे, न घर से निकल पाएंगे, ये कभी सोचिए। मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी टेंशन का माहौल होता है, तो सब कुछ छोड़ के छुट्टी कैंसिल हो जाती है, इनको पूछते हैं लोग, संदेश आते हैं घर में आओगे बोलते पूरा बैठी चाहिए, उनसे जो जो इमोशन है मुंबई के सभी जो जज्बा है उसको Thank you.
मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इस मंच के तरफ से संजय निरुपम जी की टीम और
एनसीसी के जो जवान हैं, हम उनको सलामी देंगे जो हमारे देश के लिए दिन रात एक कर देते हैं और उनकी वजह से अमन और सुकून महसूस कर पाते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो कहीं से भी आए हो, जिनके पास मेरी आवाज़ जा रही है, यहाँ सलामी देंगे। आप जहाँ आए वहीं से सलामी देने का काम कीजिएगा, ताकि ये जो मंजर है, ये जो मकसद है, जो मैसेज है, पूरी दुनिया तक जाए कि छठ पूजा के आयोजन के जरिए हमने इस देश के जवानों को याद किया है और सलामी दे रहे हैं। अमर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं फूलों के जरिए, और देश के तमाम मुंबई वासियों की तरफ से, युवाओं की तरफ से हम सब कामना करते हैं कि हमारे देश के जो जवान हैं वो बहुत स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सुरक्षित रहे, ताकि देश में उनकी मेहनत जो है हमेशा की तरह रहती रहे और हम अमन और सुकून को है महसूस कर सकें। और
Thank you.
थोड़ा सा प्लीज भाई स्टूडियो वाला पार्टी बना दो यार। आज इस जगह का नारा लगाने के बाद एक साल तक मास तक दिन एकदम बढ़िया जाए, है कि ना? सीधे सीधे मैं मेरे दिल से आवाज आ रही है वो चार पंक्तियां ना संजय भैया को देना चाहूंगा और ये तो मैं हर जगह गाता हूँ लेकिन मेरे आज बहुत बड़ी सौभाग्य वाला है संजय भैया आपके सामने हैं तो उनके लिए चार पंक्तियां हैं देखिएगा कैसे। Yeah.